दोस्तों, आजकल के टाइम में हर व्यक्ति को अच्छी फिजिक रखने का शौक है। हर कोई चाहता है कि उसकी एक तगड़ी और मस्कुलर बॉडी हो। इसके लिए लोग जिम ज्वाइन करके ताबड़तोड़ मेहनत करना भी शुरू कर देते हैं। जिम जाकर मेहनत करना अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों नियमित वर्कआउट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, अगर इसे सही समय और सही नॉलेज के साथ किया जाए तो। दोस्तों, यहाँ पर जिम ज्वाइन करने से पहले सबके मन में एक ही सवाल सबसे ज़्यादा होता है कि वर्कआउट कौन से समय पर किया जाना चाहिए, जिम करने का सही वक्त कौन सा है जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हासिल हो सकें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक तरफ बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सुबह के समय वर्कआउट करने के ज़्यादा फायदे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद में लोगों का ये भी मानना है कि शाम का वर्कआउट करने से ज़्यादा मसल्स गेन होते हैं। दोस्तों, वैसे तो वर्कआउट आप सुबह करो या शाम को करो, आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके लिए वर्कआउट करने का सबसे परफेक्ट समय कौन सा हो सकता है, जिससे कि आप अपनी सुविधा के अनुसार वर्कआउट करके ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स गेन कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सुबह के समय वर्कआउट करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कि शाम के समय जिम करना आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, जिम करने का सही समय सुबह का मतलब ये है कि सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आप जिम जा सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश होती है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि आप रिलैक्स होकर अच्छी कसरत कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि काफ़ी लोगों को शाम की बजाय सुबह समय निकालकर जिम करना आसान लगता है, और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तब हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती है, हमारा मूड भी काफ़ी फ्रेश होता है, हमारी मांसपेशियों में थकावट नहीं होती है, जिसके कारण शरीर में एनर्जी का लेवल काफ़ी हाई होता है। दोस्तों, काफ़ी लोग शाम को देर तक काम करते हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे कि काफ़ी लोग शाम को जिम नहीं जा पाते हैं, और उन्हें सुबह के समय में एक्सरसाइज करना आसान और सुविधाजनक लगता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे में सुबह का समय जिम करने के लिए सबसे बढ़िया रहता है। दोस्तों, पूरे दिन भर काम करने के बाद में शाम होते होते शरीर पूरी तरह से थक जाता है, जिससे कि आप शाम के समय वर्कआउट ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसा जॉब करते हैं जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यानी शाम तक आपका पूरा शरीर पूरी तरह से थक जाता है, तो यहाँ पर आपके लिए सुबह का वर्कआउट ठीक रहेगा। तो यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, आप जल्दी फैट लॉस करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए सुबह का वर्कआउट बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वर्कआउट आपको खाली पेट करना है, यानी जिम जाने से पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप जिम जाने से 15 मिनट पहले एक ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप एक दुबले पतले व्यक्ति हैं, सुबह का जिम करना चाहते हैं, तो जिम जाने से 1 घंटा पहले आपको एक प्री वर्कआउट मील जरूर लेना है। आपको बॉडी का साइज बढ़ाने के लिए कभी भी खाली पेट जिम नहीं करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर प्री वर्कआउट में आप 2 केले के साथ में 250 ग्राम दही ले सकते हैं। ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता प्री वर्कआउट मील है। और आप जिम जाने से 1 घंटा पहले 50 ग्राम भीगे हुए काले चने भी ले सकते हैं। ये भी काफ़ी दमदार प्री वर्कआउट मील माना जाता है। तो इनमें से कोई सी भी एक डाइट आपको ज़रूर लेनी है। ऐसा करने से आपको सुबह के वर्कआउट का पूरा फायदा मिलेगा और आपकी मसल्स भी जल्दी गेन होगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि शाम के टाइम वर्कआउट करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि शाम को वर्कआउट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि जब आप शाम को जिम करने के लिए जाते हो तब आपकी बॉडी में भरपूर न्यूट्रिशन होते हैं, यानी कि पूरे दिन का खाया पिया आपकी बॉडी के अंदर होता है, जिससे कि आपकी मसल्स एक्टिव होती है और आपके शरीर में भरपूर एनर्जी भी होती है, जिसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि आप जिम के अंदर काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आपके शरीर में एनर्जी ज़्यादा होगी तब आप बिगर थके हुए ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर सकते हैं, अच्छा खासा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स पैकअप करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शाम के समय वर्कआउट करने का आपको एक और बड़ा फ़ायदा ये है
कि आपको पूरी रात भर का रेस्ट मिल जाता है, जिससे कि मसल्स की रिकवरी भी अच्छे से हो जाती है। तो दोस्तों, दोनों ही समय पर वर्कआउट करने के अपने अलग अलग फ़ायदे होते हैं। आपको जब भी समय मिले आप वर्कआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह के यूजफुल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।